नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो ये स्टिमुलस बिल है, इसकी एक सक्सेस के तौर पे देखा जा रहा है डेमोक्रेट्स के लिए। इसका एक इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह की चुनौतियां हैं वहां पर, और हम इसको कंपेयर भी करेंगे कि अन्य देशों पर इसके मुकाबले में ये वीक क्यों कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर। और इसको कंपेरिजन करने के साथ साथ हम ये देखेंगे अलग अलग कंट्रीज में क्या हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो होगा वो अमेरिका के स्टिमुलस बिल पे होगा। इसका इन डेप्थ डेटा एनालिसिस करेंगे, इसमें जेरोम पॉवेल क्या कह रहे हैं, इसमें आंकड़े कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ से ये आंकड़े आएंगे, किस तरीके से प्रोत्साहन राशि के तौर पर स्टिमुलस बिल को देखा जा रहा है, ओईसीडी इस पे क्या कह रहा है, इस पे हम बॉन्ड यील्ड्स पे हम बात करेंगे, और इससे हम डेफिनेटली कंपेयर करेंगे। मैं आपको एक हल्का सा आंकड़ा देता चलूं कि कोविड-19 के जो फिस्कल रिस्पॉन्स है, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से, हम इस पर भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल आपको एक ओपनिंग आंकड़ा दे रहा हूँ। तो जैसे जापान के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि 54.9% जो है अपने जीडीपी का कोविड फिस्कल रिस्पॉन्स पे दिया जा रहा है। तो 54.9% आप देख सकते हैं कितनी मैसिव है। इसमें भी एक कैच है, उस पर भी आएंगे। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में कहा जा रहा है 27.09% ऑफ यूएस जीडीपी, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका 27.09%, इसमें भी थोड़ा सा कैच है, उस पर भी आएंगे। इसके बाद सिंगापुर में कहा जा रहा है कि 27.05 है, स्लोवेनिया में 24.54 है, गुयाना में जो है 23.42 है, स्वीडन में 23.01 है, फिनलैंड के अंदर 21.28 है, लिथुआनिया के अंदर 20.95 है, जर्मनी के अंदर जो एक मैसिव कंट्री है, मैसिव इकोनॉमिक ब्लॉक है, पावर है अपने आप में, तो उसमें 20.32 है, ऑस्ट्रिया के अंदर 19.91 है। तो ये देखिए कि लगभग लगभग किस तरीके से 20 से 30% के बीच में, और जापान ने तो 54.9% किया कोविड का फिस्कल रिस्पॉन्स है, ये जीडीपी पे इतना खर्च किया गया है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था जापान की, हम उस पे देख लेते हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको डिस्प्यूट किया है, जापान की जो टॉप लाइन फिस्कल रिस्पॉन्स है, इसको जो अगर इसको आंकड़ा सही से निकाला जाए, तो उनके अनुसार हम उस पर भी डिटेल से बात करेंगे, उसमें 29.8% ऑफ द जीडीपी है, लेकिन कहा जा रहा है 54.9, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो 29.8 करके आ रहे, स्टेटिस्टिकल जगरी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको अमेरिका का बताया था, वो 27.09% बताया जा रहा है। तो इसमें जो इंक्लूड किया जा रहा है, ये डॉलर जो है आपका 1.9 ट्रिलियन जो है कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज को इसमें मिला के बताया जा रहा है, और जो अदर फिगर्स हैं इसके, जो वो फरवरी की फिगर्स हैं, वो हमसे यहाँ से ली गई हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, किसका रिसर्च पेपर, कैगलून एल्जिन का पेपर है ये, उन्होंने इसको लिया है। तो हम इस पे भी डिटेल से बात करेंगे, हम इसको कंपैरिजन करेंगे कि और देशों के मुकाबले क्यों ये रिस्पॉन्स इनसफिशियंट कहा जा रहा है 1.9 ट्रिलियन का, जो कि आपका 27.09% ऑफ द जीडीपी है, लेकिन इस सबके बावजूद इसमें क्या दिक्कतें हैं, और इसको हम एक निष्पक्ष तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसका डेटा एनालिसिस करते हैं। तो इसको देखा जा रहा है कि एक तरीके से बहुत बड़ा गैम्बल लिया है प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसको। तो इस हफ्ते की जो एक तरीके से असाधारण उत्तेजना के तौर पे अमेरिका ने, और दुनिया के लिए एक तरीके से ये बहुत ज्यादा अमेरिकन इकोनॉमी की हेल्थ जो है, उसके जो अमेरिकन बॉन्ड मार्केट्स में हम देख चुके हैं, शेयर मार्केट में कैसे धड़ाम से गिरा है 11 हफ्तों के बुल रन के बाद, उसमें हमने तमाम वीडियोज किए हुए हैं। तो जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो अमेरिका का बॉन्ड जो है उसमें वो स्ट्रेंथन हो रहा है, उसका भी एक रिलेशन हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसके बाद अगर हम इसी टॉपिक पर रहें, तो हम ये देखते हैं कि जब ये कोविड की जो महामारी है, जब इसका प्रकोप हुआ, तो एक तरीके की फिक्र थी, एक तरीके की चिंता थी, एक तरीके की स्वाभाविक नेचुरल था ये कि जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो इससे वर्षों तक जो है सुस्त पड़े रहेंगे। हमारा जो बजट आप देखें तो 2024-25 में जाकर के कहीं हालत सुधरने के बाद, ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर का मानना रहा है, लेकिन अमेरिका में इस तरीके की जो एक तरीके का जो पैसिज्म है, पैसिमिज्म है या निराशावाद है, इसको टालने का प्रयास के तौर पे इसे देखा जा रहा है। तो अगर आप लास्ट समर अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर बात करें, तो किस तरीके से उनका जो विकास था, जो ग्रोथ था, वो किस तरीके से निराशाजनक, और उसके पुनर् अनुमान के बाद जिस तरीके से उनका जो फिस्कल डेफिसिट था, यानी कि राजकोषीय जो है, ये किस तरीके से एक तरीके से उग्र आर्थिक और मिश्रण में शामिल कर रहा है, उसमें काफी ज्यादा फिक्र हो गई थी। तो इसके बाद जो प्रेसिडेंट जिस तरीके से चुनके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, वो तमाम बातें अपनी तरफ है, लेकिन जो अब राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो चुनौतियां हैं, तो उस संदर्भ में उन्होंने जो है 1.9, जिसको कहते हैं ये बिलियन का जो है ये प्रोत्साहन बिल एक तरीके से दिया है। तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा, इसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी, इसके अंदर जो है कि किस तरीके से ये 9.1.9 ट्रिलियन का जो है ये सारा जो खेल है, इसमें किस तरीके से आंकड़े अपने ऐड अप होंगे, नहीं होंगे, तो इसको हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो ये सारा जो था, इसको जो है कि कानून बनने के बाद हस्ताक्षर का प्रयास के लिए तौर पर तैयार किया जाएगा, जो कि अब ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटी है। तो इसमें जो लगभग जो है आपका 3 बिलियन, जिसको कहते हैं कि हमारा जो है आपका इसमें मोटा मोटा अगर आप देखें, तो ये 3 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 14% जो है ये प्री क्राइसिस जीडीपी का था, इसमें ये आपका प्री पैंडेमिक
से रिलेटेड जो इसमें पास हो गया था दिसंबर में, और इसमें अबाउट जो है 6 ट्रिलियन का जो टोटल पेड था, ये जब से क्राइसिस स्टार्ट हुआ, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो पैकेजेस थे उनको भी ऐड कर रहे हैं, तो 6 ट्रिलियन प्लस 3 ट्रिलियन प्लस 1.9 ट्रिलियन। तो आप ये देखेंगे किस तरीके जो ये जो करंट प्लान है इसका जो शुरुआत से अगर आप भुगतान देखें, तो कुल जो है 6 ट्रिलियन डॉलर का जो है, इसके बाद से अब तक जो है ये आपका 6 ट्रिलियन डॉलर के करीब इसका भुगतान हो गया है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो वर्तमान योजना है इसमें फेडरल रिजर्व की क्या भूमिका है, ट्रेजरी की क्या भूमिका है, और इस साल की जो बैंकिंग प्रणाली में जो किस तरीके से ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर इसमें और डालने की बात की जा रही है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जिस तरीके से इसमें 2007-2009 के बाद जो एक वैश्विक ग्लोबल रिसेशन की बात हुई थी उस वक्त टेलर काफी ज्यादा उसमें उन्होंने कहा था, टेलर इकोनॉमिक्स की बात हुई थी, उसके बाद न्यू केन्जियंस की बात हुई थी, वो तमाम बातें जो थी उसके जो एक डेकेड के बाद यानी कि एक दशक के बाद अमेरिका की जो आर्थिक नीति है, ये अब ये कहा जा रहा है कि उस वक्त जो है कि अब जो एक तरीके के निराशाजनक इनका ये कदम रहा है, ये सफिशियंट नहीं है। तो एक तरीके से आज वो सिर्फ एक इसको ढकने का प्रयास कर रहे हैं या टालने की कोशिश कर रहे हैं या उसको निराशावादी को ये पीछे कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग इज रिटन ऑन द वॉल, ऐसा बिल्कुल साफ है। कोविड बहुत बड़ी समस्या रही अमेरिका में, जिस तरीके से डेथ रेट्स हुआ था, तो जनवरी में देखें कि अमेरिका की जो एक तरीके से जो खुदरा बिक्री थी जो उसका उसमें एक साल की तुलना में जो है कि 7.4% अधिक थी। तो ये अमेरिकन के इकोनॉमी के जो इनहेरेंट जो एक तरीके से जो समस्याएं हैं उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, फिस्कल डेफिसिट पे इसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि अधिकांश अमेरिकियों को जो है सरकार जो है एक तरीके से $600 के चेक मिले, फिर $1400 के चेक मिले, तो किस तरीके से ये स्टिमुलस जो है प्रीवियस राउंड ऑफ स्टिमुलस में चलता आ रहा था उनको पावर दी जाए, तो अमेरिका के अंदर जो है वो काफी ज्यादा बुनियादी चुनौतियां हैं, इकोनॉमिक्स नहीं ऐड हो रहा है वहां पर। तो इसको अगर हम देखें तो जिस तरीके से अमेरिका के अंदर एक तरीके से जॉब्स गई हैं जो अटके हुए हैं, एक तरीके से घर जो उनके थे और उसके बाद जो रेस्टोरेंट बार हैं सिनेमा घर हैं आमतौर पर खर्च करने में जो ये असमर्थ हैं, तो जो इसके कंज्यूमर्स हैं यानी कि जो उपभोक्ता हैं, इसने पिछले वर्ष के दौरान अतिरिक्त बचत जो है इसमें 1.6 बिलियन का एक तरीके से इन्होंने उसका संचय किया है, तो ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है। तो इसके बाद जो बाइडेन का एक तरीके से ये गैम्बल है, एक तरीके से उनका उन्होंने एक तरीके से इसका चांस लिया है इकोनॉमी के अंदर, तो बाइडेन की इससे एक तरीके से अधिकांश अमेरिकों को, और जिस तरीके से वो $1400 की काफी बातें होती रहती हैं कि 1400 की जो ये सहायता करते हैं, तो एक जो ये अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये डेवलप्ड कंट्री है, इनफैक्ट रिचेस्ट कंट्रीज है, तो इसके साथ जो अमीर देश के लिए असामान्य रूप से कैश का ढेर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीब परिवारों के पास रखा जाता है। इसमें इकोनॉमिक्स में कोई भी बेसिक किताब में आपको इसका रेलिवेंस मिल जाएगा, इसका रैशनल मिल जाएगा। तो इसमें अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खुलने के बाद उसकी जो है इसे खर्च करने की संभावना रहती है, तो ये जो है एक अलग समस्या निकल करके आएगी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये जो है इकोनॉमिक पॉलिसी पे इस तरह की चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो अगर हम अब कोविड की बात करें तो ये जो एक तरीके से जिस तरीके से वैक्सीन आ गई है, तो एक तरीके से जो टीके का हथियार के पास पहुंचते हैं, जिस तरीके से इसमें देखा जा रहा है कि इससे कुछ डेथ रेट इसका कम हो जाएगा या सरदार 81% की इसमें बात की जा रही है, तो अमेरिका के जो एक नए वेरियंट के साथ जो है इससे क्या होता है कि एक इसमें जो समस्या निकल करके आ रही है जिसको काफी दिन तक डिले नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी कि बेरोजगारी दर है जो वो वर्ष के जो एंड तक है वो 5% से नीचे आराम से गिरनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ये समस्या चुनौती बहुत बड़ी है, तो इसमें अच्छी खबर जो है अमेरिका के लिए हो सकती है कि 5% पे इसको संभाल लेंगे वो, लेकिन यूरो क्षेत्र के अंदर अगर आप देखें जिस तरीके से विनिर्माण सर्वेक्षण स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर है आपका, उसके बाद जो टीकाकरण के जो यहाँ पे है इसके जो नए वेरियंट से जूझने के पीछे है, तो इसमें इन सारे बैकड्रॉप में ये जो पैकेज है ये लॉन्च हुआ है या दिया गया है, तो इसको हेल करा जा सकता है लेकिन इन चुनौतियों के लिए ये सफिशियंट नहीं है, ऐसा प्रमुख अर्थशास्त्रियों का अमेरिका के अंदर भी माना जा रहा है। तो हम उस पर बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन है, प्रेसिडेंट बाइडेन, इन्होंने जिस तरीके से खर्च में जो है एक तरीके से वैश्विक मांग को बढ़ावा मिलेगा, इससे डिमांड जनरेट होगी, ये फिर वो इकोनॉमिक्स को ये कोट कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज और है कि जब डेवलप्ड कंट्रीज या रिचेस्ट कंट्रीज जब समस्या में आते हैं तो वो केन्जिस मेथड की तरफ चल जाते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी में जो है बिन सेज लॉज पे जा रहे हैं, सप्लाई की रिड्यूसिंग ऑन डिमांड वाला फार्मूला लगा रखा है हमने,
हमने, तो लेकिन हम केनियन से झिझकते हैं। लेकिन जो ये वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो अगर आप कैपिटलिज्म की बात भी करें तो कैपिटल प्लस लेबर को मिला करके कैपिटलिज्म बना है। तो इसमें ये इस तरह की बात होती है कि जो कैपिटल लगेगा उसके बाद लेबर, इसको उचित मूल्य मिलेगा, फिर वो रिवाइव कर जाएगी। तो इसलिए केनियन मेथड यहाँ पर जरूरी है, लेकिन ये हमारी कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये हमें उल्टा पढ़ाते हैं। खैर बहरहाल वो एक अलग डिबेट में चला जाएगा मामला। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इससे जो है डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाएगी, वेस्टर्न डिमांड को इसमें बूस्ट मिलेगा। तो अमेरिका का जो ये है कि जो इसका ट्रेड का डेफिशिएट है, यानी कि जो व्यापार घाटा है, तो जो कोविड से पहले जो है ये 50% से अधिक है, क्योंकि जो इसकी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, इसके जो एक इम्पोर्ट के तौर पर देख सकते हैं, तो बाकी दुनिया में जो है एक तरीके से इसको अंकल सैम भी कहा जाता है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो एक टाइम, लेकिन अब ये चीजें बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था मेगा इकोनॉमिक्स मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन की जो बात थी, वो इन्हीं सर्कल्स के दौरान घूम रही थी। तो एक तरीके से इस गति से ये क्या मेल खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, एक तरफ ट्रेड डेफिशिएट है, एक तरफ इकोनॉमी की समस्याएं हैं, तो इन सारी चीजों के मद्देनजर जो है ये सारी बात निकल करके आती है। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट जो सवाल निकल करके आता है वो ये है कि जो जैसे 9 मार्च को अगर हम बात करें तो OECD जो था उसमें एक तरीके से अमीर देशों का एक क्लब है, उसमें OECD ने ये कहा है, उनका जो ये अनुमान है, OECD के बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड इसकी फाइंडिंग्स होती हैं, स्टडीज होती हैं, तो इनका जो एक पूर्वानुमान है, इनकी जो अजम्पशन है, एक तरीके से उन्होंने ये कहा, इनका ये मानना है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो है 2022 के अंत में बड़ी हो जाएगी, जो कि कोविड महामारी से पहले की भविष्यवाणी की जा रही थी। तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक जो है, ये OECD का मानना है, तो अप्रैल से सितंबर तक जो है अमेरिका जो है आपका, अप्रैल सितंबर तक जो है आपका अमेरिका द्वारा जो है चीन को भी पिछाड़ने की एक तरीके से संभावना है। जो मौद्रिक, जो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, ये इसको मजबूत कर रहा है, और फरवरी से के मध्य से इसके जो शेयर बाजार हैं इसमें 9% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये OECD ने इसको आंकड़ों के लिहाज से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो इसके साथ अगर हम अब देखेंगे इससे बाहर कैसे आ जाएगा इस चुनौती में, इसलिए उसको गैम्बल के तौर पर अब कह रहे हैं शुरू से, जो स्टिमुलस पैकेज है इनका, जो स्टिमुलस बिल है रादर, तो एक संकट से बाहर निकल और उसमें सबसे बड़े बुरे क्षण में काम के जो है एक तरीके से 15% लोगों की संख्या में कटौती हो रही है वहां पर जॉब्स के अंदर, तो अमेरिका में एक तरीके से जीत होगी। और जो ये कोविड का जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया है कोविड के मद्देनजर, इसमें जो है कि अगर इसमें आप टैक्सेशन पॉलिसी के लिए अगर आप टैक्स सिस्टम को अगर और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल्स के तौर पर देखें, जो रिफॉर्म्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो कभी भी जब इकोनॉमी गिर रही होती है उस वक्त नहीं किए जाते हैं, उसका असर जो है वो उल्टा पड़ जाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। इसको कहते हैं कि हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसका हम नजर इसको हम भुगत रहे हैं अभी भी। तो इसमें ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है कि जब भी इकोनॉमी बूम करे उस वक्त आप रिफॉर्म कर लीजिए तो शायद कुछ फायदा हो जाए, लेकिन अगर इकोनॉमी जो है, तो इसीलिए अगर जो ये टैक्स को बढ़ा देते, जो हमारी इकोनॉमी में हो रहा है बाय द वे, तो जो अगर ये टैक्स को बढ़ा देते तो उसका जो नजर है इकोनॉमिस्ट का मानना है, OECD का स्पष्ट मानना है, तो वो एक तरीके से उसका असर उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये चुनौती होगी जो बाइडेन के लिए। तो जो बाइडेन का एक तरीके से खर्च उन लोगों का स्वागत है जिनसे राहत मिलेगी, जिनको वाकई नीडी है, जिनको देनी चाहिए, तो जिनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जो अमेरिकन बॉन्ड्स की जो साहब, उस पर भी हम आएंगे थोड़ी देर में। तो इसमें जो अमेरिका के जो एक तरीके से जो ये भी है कि 9.5 इसमें जो है इतना परसेंट के करीब करीब इसमें नौकरी छोड़ी जा रही है। तो इन सब के बैकड्रॉप में जो है जो बाइडेन के इसको स्वागत योग्य कदम तो है, लेकिन क्या ये सफिशियंट है, ये सवाल यही बनता है। तो इसमें अगर हम देखें जो फैमिलीज हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए जो ये एक्स्ट्रा इनकम है $1400 की जो है, ये जो एक्स्ट्रा नकदी है एक तरीके से, इसके लिए थैंक्स ही कहना है उन्होंने। तो इसमें जो इकोनॉमी के अमेरिका के अंदर जो लगातार और व्यापक जो एक तरीके से जो गरीबी है, काफी ज्यादा दिक्कतें वहां भी हैं, तो वो नाटकीय रूप से कम होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो इसके बाद जो फिर भी अगर हम इसको मान लें, तो हालांकि अगर इस तरह की जो नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, इनका अगर हम आर्थिक इतिहास जो है इसमें एक निश्चित स्थान है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेशन के वक्त आप रिफॉर्म्स करने जाएंगे तो उल्टा आपका फैक्ट ही उल्टा हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये जब रिसेशन आया था, जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इसको संभालने का प्रयास कर रहा थे, और उस वक्त क्या था कि एक कार्टून छपा था इकोनॉमिस्ट के अंदर, उन्होंने ये दिखाया था कि ओबामा जो है वो एक गड्ढे में गिरे हुए हैं और वो उल्टी तरफ से गड्ढे को कुदाल से खोद रहे हैं, यानी कि बाहर निकलने की चाहत में, तो इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग अप साइड में वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, इसकी संभावना बड़ी प्रबल तौर पर जताई जा रही है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो इसमें जो है कि अगर इस हिस्ट्री से कुछ हम लर्न करते हैं या नहीं करते, तो इसके बाद जो है कि उन्होंने एक तरीके से वो चाहते हैं, और वो ये उस समय जो है उनके साथ भी बहुत क्लोजली काम किया, उन्होंने ओबामा के साथ वो एक चीज देख चुके हैं, तो ये
चुनौती जो है इनके लिए रिपीट हो रही है। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका जो है एक तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर अभी जो हो रहा है जो बाइडेन के अंदर वो क्या है कि एक तरीके से तीन इनको ने इकोनॉमिक एक प्रोग्राम्स जो है या आर्थिक प्रयोग जो है ये कर रहे हैं। तो जिसमें एक तरफ तो आपका फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा दिया है, उसका एक तरीके से फाइनेंशियल स्टिमुलस दिए जा रहा है, प्रोत्साहन के तौर पर ऐतिहासिक स्तर पर दिया जा रहा है, और दूसरा ये है कि जो फेड जो है एक अधिक जो है इसका जो रवैया है वो ज्यादा बहुत ज्यादा इसको कहते हैं कि काफी ज्यादा इसको कहते हैं बहुत ज्यादा कॉशियस है रवैया है, वो इतना रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तो अस्थाई जो है इस इन्फ्लेशन पर जो है उसका असर इसमें पड़ना तय है। इसमें हम जेरोम की भी बात करेंगे, पॉवेल की बात करेंगे जो फेड चीफ है वहां पर। तो इसमें जो अधिकांश अंकुश लगाने और जो विशाल जो जो पंच है जो एक तरीके से वो सेविंग्स को लेके, तो ये कोई नहीं जानता कि उपभोक्ताओं क्या करेंगे, उनके साथ क्या ये धोखा हो जाएगा, या जब वो खर्च करते हैं तो आगे इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमी के अंदर कोविड के सिलसिले में, कोविड कब पूरी तरीके से हटेगा, आने वाले अगले 2-3 साल के अंदर इसका इफेक्ट रहना ही रहना है। तो इन तीनों फ्रंट पे जो बाइडेन के लिए जो है कि वो चुनौती जो है वो बरकरार रहनी है। अगर हम इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास करें फॉर इलस्ट्रेशन, तो हम ये देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जो है इस प्रयोग में कोई समांतर नहीं है, यानी कि वो चैलेंजेस एक अलग तरीके के थे और ये वाले जो चैलेंजेस हैं वहां पर जैसे ट्रूमैन प्लान पूरी यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया एक तरीके से तो कहा जाता है, उसमें भी काफी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन बहरहाल जो है तो ये जो चुनौतियां हैं ये बहुत मुंहबाएं खड़ी है अमेरिका के आगे। तो जो बाइडेन इसके लिए उनको कुछ ना कुछ इसके लिए पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अमेरिका और अगर अमेरिका की इकोनॉमी पे संकट आता है तो वो दुनिया के लिए इसमें इसका जो है रिपरकशन वो आना ही आना है। तो इससे और ज्यादा जो इकोनॉमीज हैं खास करके डेवलपिंग कंट्रीज की उनको धराशायी होने से कोई नहीं बचाएगा। और एक बार ये स्पायरल इफेक्ट शुरू हुआ तो जिस तरीके से हमने 1997 का जो हमने थाईलैंड भट्ट से जो क्राइसिस शुरू हुआ था, फिर वो किस तरीके से रशिया तक पहुंच गया था, फिर किस तरीके से जो आईएमएफ के चीफ को जियांग जमीन उस वक्त चाइना के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट मत कीजिए, तो वो इतिहास जो है कि अब वो वाला दोहरा दिया जाएगा यहाँ पर, उसकी संभावना भी एक तरीके से प्रबल है। तो एक तरीके का ये जोखिम है इसमें निवेशकों को, एक तरीके से इन्वेस्टर्स को भी इसमें एक तरीके से तोला जा रहा है, उनके लिए भी एक बहुत फाइन बैलेंसिंग बीम है कि वो कितना बैलेंस करके चल पाएंगे इन्वेस्टर्स इकोनॉमी के अंदर। तो चुनौतियां अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर बहुत है डिस्पाइट ये इतना बड़ा स्टिमुलस 1.9 ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस पैकेज देने के बाद, तो हमें इस कंटेक्स्ट में समझना होगा इसे। इसके बाद हम बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की जो 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है जो कीमतों के विपरीत है, जैसे इसमें हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा, उच्च ब्याज दरों की उपेक्षा पर पिछली जो है पिछली समर्स जो अमेरिका में थी उसके बाद लगभग जो है 1% जो है ये 1 परसेंटेज पॉइंट इसमें बढ़ी है। तो अगर हम ग्लोबल इसमें वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अगर हम अमेरिका की बात करें तो इसमें अमेरिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, इसका ये कारण है। तो इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए एक अलग किस्म के चैलेंजेस होंगे, तो वहां पर जो है वहां पर फेड का रोल बहुत अहम हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो अगर हम पिछले कुछ हफ्तों में देखें, कुछ सप्ताहों में देखें, तो ऑस्ट्रेलिया में जो केंद्र बैंक है, सेंट्रल बैंक है जो ऑस्ट्रेलिया का, उसने किस तरीके से जो वहाँ पर ओवर प्रोडक्शन हो गया था पैदावार के, जो ओवर प्रोडक्शन को रोकने के लिए जो है अपनी जो बॉन्ड्स को खरीदनी पड़ेगी थी, अपनी ही बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। अगर आप उसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक को देखें तो ये एक तय था कि जिस तरीके से जैसे ही वैसा ही हस्तक्षेप करने का तो उसको वैसा ही एक इंटरवेंशन की तरफ देखा गया। ब्राजील के अंदर आप देखें जैसे ही कांटे वाले बाजारों में या अर्जेंटीना के जैसे बड़े डॉलर के मूल्य में जो इनका कर्ज था उससे उभरते बाजारों में जो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं इसमें अमेरिका की जो मॉनिटरी पॉलिसी है ये मोड़ के बाद जो है इसके साथ जो है लगातार खतरा बना रहने वाला है और लंबे वक्त तक बना रहने वाला है। इसलिए दुनिया भर के जो बाजार है वो कभी सहम जाते हैं, इसलिए पैनिक जो है वो बहुत बड़े स्केल पे दिखता है, जैसे कि भी हमने देखा ही है फरवरी के अंदर। इसके बाद जो बात आती है और इसमें जो फेड का जो मानना है, इसमें जो फेड का जो रोल अहम हो जाता है, जैसे ग्रीन स्पैन की अगर आप पढ़ें उसमें, उसके बाद बेन बर्नैनकी का देखें किस तरीके से, उसके बाद जो अब उनकी जो उसको कहते हैं आपका सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो है आपकी, उसमें जो वो भी जेनेट येलन जो रह चुकी हैं फेड की चीफ, तो अब जब जेरोम पॉवेल हैं तो इनको ये जो है फेड का जो मानना है कि ब्याज दरें ये कम रखेगा और तब तक संपत्ति खरीदना जारी रखेगा जब तक कि अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी सी हेल्दी या रिवाइवल की साइंस नहीं दिखाती। तो ये इकोनॉमिक सेंस में ये हम बात कह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे करेंगे अमेरिकन ये जो वक्त बताएगा। इसके बाद जो है कि अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति की बात करें, तो अनिवार्य रूप से जो है ये आपका जो है आपका ये बढ़ेगी, इन्फ्लेशन इसमें बढ़ना ही है, क्योंकि पिछले एक वर्ष की अगर आप तुलना करें जो महामारी के टाइम की उससे पहले की बात है तो उस समय जो एक गिरती वस्तुएं जो कीमत थी जो उसमें गिरावट के एक साल पहले की तुलना में कम है। तो इसलिए फेड जो है इस पर ध्यान नहीं देगा इतना, लेकिन इसके बावजूद महंगाई वहां पर
बढ़ेगी। तो इसके बाद एक चीज इसमें और इसमें खास है कि पिछले साल जो फेड ने जो ये अपनाई गई थी, जो ये औसत एक तरीके से एवरेज जो इन्फ्लेशन का एक तरीके से उन्होंने लक्ष्यीकरण किया था, तो उसमें जो है कि शासन के तहत हुआ था ये, अमेरिकन उसमें जो सरकार इसमें शामिल थी पूरी तरीके से, तो उसमें पिछली जो कमियां हैं इसके लिए 2% लक्ष्य पर मुद्रास्फीति को लाने की कोशिश कर रहा है। तो 2% इन्फ्लेशन की इसमें कोशिश रही है। तो एक तरीके से ये वॉन्टेड भी है, डिजायरेबल भी है, लेकिन चुनौतियों के मद्देनजर ये चैलेंज होने वाला है। तो इसमें पिछले अगर हम एक डेकेड की बात करें, एक दशक की बात करें, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, इसकी समस्या जो है बहुत कम एक तरीके से मुद्रास्फीति की रही है, बहुत अधिक नहीं। तो ये हमें इतिहास बताता है, लेकिन अब ये ट्रेंड इसमें रिवर्स जाने वाला है, खास करके कोविड के जो अभी जो कोविड के बादल पूरी तरह से हटे नहीं है, पूरी तरह से गए, अभी तो बीच में ही है। तो ये जो संकट पहले ये डिफ्लेशन की प्रॉब्लम रही थी, अब इसमें इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको लेकर के अमेरिका कैसे जूझेगा और उसका जो स्पायरल इफेक्ट या रिपरकशन इफेक्ट जो और इकोनॉमीज पड़े, खास करके इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, वहां वो भयावह स्थिति होने वाली है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो ये एक तरीके से अगर ये ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी हो जाता है, इसको इकोनॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है, अगर ये ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी हो जाता है तो जो फेड के जो चेयरमैन हैं, जो चीफ हैं, तो जो जेरोम पॉवेल, इन्होंने ये तर्क दिया है, इनका ये रैशनल है कि यह भी जो है एक तरीके से अस्थायी तौर पर होगा, ये टेम्पररी तौर पर होगा, लेकिन वो हर चीफ कहते हैं। तो लंबी अवधि में अगर इसको लॉन्ग रन में देखें तो जो इन्फ्लेशन है उसकी जो एक तरीके से जो गतिशीलता है, उनका ये तर्क है जेरोम पॉवेल का कि एक बारे में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, या इसको एक तरीके से वो इसको मैनेज कर रहे हैं, वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से। तो हालांकि इसमें जो एक आते हैं कि अब ये खरबों डॉलर का जो कारोबार कर सकते हैं, इनके पास फेड के पास जो है, आपका फेडरल रिजर्व के पास योजनाओं पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ना तो ये और ना ही बाजार में अमेरिका का जो प्रयोग है ये अंतिम परिणाम की एक तरीके से भविष्यवाणी कर सकता है। और इसमें जो फेड की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक तरीके से इसमें कोल्ड वाटर पोरिंग की जो अगर ओवरहीट जाती है, ऐसा इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, लेकिन वो अगेन वो भाषा की अलग कुछ कहते हैं ना कि मतलब जिसको कहते हैं कि ना, जैसे अगर रिसेशन पे जा रहे हो तो सॉफ्ट लैंडिंग कह देते हैं, इकोनॉमी की हो रही है, जैसे हमारे यहाँ वी शेप कर रही है लेकिन हो के शेप रही है, तो एक तरीके से मोरल बूस्ट है। तो बहरहाल जो है ये सिर्फ अगर आप जगलरी से जाएं तो चुनौतियां इसमें मुंह बाहें खड़ी हैं और बहुत बड़ी हैं। तो इसमें एक चीज ये उसमें जो निकल करके आएगी वो ये होगी कि हाल ही में जो है कि रोजगार का जो इनका बाजार है एक तरीके से, तो उसमें जो व्यापक आधारित और एक तरीके से इंक्लूसिव जो समावेशी होगा वो शक्ति प्राप्त करने के दायित्व पर जोर दिया जा रहा है। और इसमें जो जो एक तरीके से परिसंपत्ति बाजार में एक तरीके से उसको आघात पहुंचाएगी, उसको थोड़ा सा धीमा कर देगी या धीमा के काफी ज्यादा हट करेगी। और इसमें तेजी में जो होगा ऋण सरकार का बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्सेशन पे जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि आप रिफॉर्म्स को नहीं, और टैक्सेशन की एक लिमिट होती है, आप ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी पर काउंटर इफेक्ट देखेंगे, तो वहां पर क्या होगा, डेप्ट पे चली जाएगी अमेरिकन गवर्नमेंट। तो उसके बाद जो होगा डेप्ट का एक अलग चक्र निकलेगा। और जिस तरीके से अगर हम ये देखें तो इस तरीके से जो जो बाइडन के जो है एक तरीके से ये काफी सारी फ्रंट्स पर वो एक साथ खेल रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ उनके प्लानिंग के मुताबिक ये चीजें कंट्रोलेबल हो जाएं, लेकिन हम अर्थशास्त्र से इतिहास से काफी इफेक्ट है, अगर आप दो तीन चीजें कंट्रोल करेंगे तो चौथी चीज काबू से बाहर हो जाएगी। तो ये चुनौतियों के मद्देनजर ये वक्त बताएगा और जल्द बताएगा कि अमेरिका किस तरफ जा रहा है। तो ये एक तरीके से ये देखा जाए कि अगर अमेरिका दयनीय कम मुद्रास्फीति पे जाता है तो कम दर के जाल से बच जाएगा, जिसमें कि जापान और यूरोप फंस गए हैं। जैसे आप जापान के अंदर देखें वो तो नेगेटिव रिटर्न पे जाती है बात, तो यूरोप इसमें फंस गए हैं, तो वो भी एक संकट है। और इसमें एक चीज और देखें कि अगर जो सेंट्रल बैंक है, जो फेड है, इसके जो नए लक्ष्य हैं, जिसमें आपका ये देख सकते हैं इसकी नकल करता है, तो बड़े पैमाने पर जो है राजकोषीय प्रोत्साहन बंदी के लिए सामान्य प्रक्रिया बन सकता है। यानी कि भविष्य में अगर इस तरह की चुनौतियां और आएंगी तो उसमें रास्ता यही निकलेगा, केन्ज़न इकोनॉमिक्स का हवाला दिया जाएगा, लेकिन उससे आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत, इसको कहते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर जाएगा। तो इसके बाद जोखिम यही है कि अमेरिका का एक तो एक तरफ आपका कर्ज बढ़ेगा, एक तरफ इन्फ्लेशन की समस्या है, डिफ्लेशन की भी है, इन्फ्लेशन की समस्या है, अपनी एक तरीके से विश्वसनीयता जो फेड की एक तरीके की लेगेसी रही है, फेड को ये माना गया है कि वो चीजों को संभाल लेने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम रिसेशन में देख चुके हैं कि कितनी अच्छी क्षमता थी उनकी। बहरा बेन बर्नैनकी ने उसमें एक तरीके से कैसे कहा, और ये मैं आपको एक रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ कि बेन बर्नैनकी ने इनफैक्ट माफी मांगी थी 1913 के लिए, जो रिसर्च जो उनका ग्रेट डिप्रेशन आया था, उन्होंने कहा था कि जब फेड बना था 1913 में, उसके उसकी पॉलिसीज थी जो वुड्रो विल्सन के आसपास की, तो उसके लिए उन्होंने अब जाके माफी मांगी थी 2008-09 के अंदर। तो अब ये देखें जो फेड का जो काम करने
करने का तरीका रहा है। बहरहाल उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो इसमें जो है कि काश इसमें ऐसा देखा जाए कि जो राजनीति है अमेरिका की, जो डोमेस्टिक, उसको भी साधना है, एम्प्लॉयमेंट्स भी देखना है, तो जो डेमोक्रेट्स भी चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए, तो एक तरीके से। लेकिन ये किस दाव, किस ऊँट, किस करवट बैठेगा, ये एक बहुत चैलेंजिंग चुनौती होने वाली है। और जो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं, इसमें अमेरिका और इसमें इमर्जिंग मार्केट सांसें रोके इसमें खड़े हैं कि इसमें क्या होता है। अब हम इसमें बात कर सकते हैं कि इसको अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट नेशन से, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जापान जो है वो बता रहा है कि 54.9% कोविड का फिस्कल रिस्पॉन्स है अपनी जीडीपी का, लेकिन इफेक्टिवली जो है काफी सारे अर्थमान की रिपोर्ट है ये, इसमें 29.8% ऑफ जीडीपी है। यूनाइटेड स्टेट्स आपका 27.09, सिंगापुर आपका 27.05, स्लोवेनिया 24.54, गुयाना 23.42, स्वीडन आपका 23.01% ऑफ द जीडीपी, फिनलैंड, जो कोविड रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं, फिनलैंड आपका 21.28, लिथुआनिया आपका 20.95, जर्मनी आपका 20.32% है, ऑस्ट्रिया आपका 19.91%। तो ये आपका कोविड का फिस्कल रिस्पॉन्स है परसेंटेज ऑफ द जीडीपी के तौर पर। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि अमेरिकन क्यों, हम ये शुरू से कह रहे हैं कि ये क्या जो है अमेरिकन इतना ज्यादा सफिशियंट है या नहीं है, लेकिन कितना अब हमें काफी आइडिया हो ही गया है कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, तो ये पैकेज उसके मुकाबले में कम तो है ही। बहरहाल, तो अगर हम अन्य राष्ट्रों के सहायता के खिलाफ अमेरिकन प्रोत्साहन को अगर एक तरीके से उसको जांचने का प्रयास करें, इसको मापने का प्रयास करें, तो हमें यह पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, इनका जो 1.9 ट्रिलियन का जो कोरोना वायरस का राहत पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, स्टिमुलस बिल है, इसको किसी भी नाम से कहें, तो जिसमें जो है कि एक तरीके से हाउस से पारित कर दिया था, तो इसमें जो बाइडेन के जो है इसमें ये सिग्नेचर हो ही जाएंगे, तो ये इसका थियोरिटिकल बैकग्राउंड है। तो इसमें जो है इतनी संख्या इतनी बड़ी है कि ठोस शब्दों की अवधारणा के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन क्या ये महामारी के बीच जिसमें दुनिया भर में जो गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई है, कई सरकारों ने नाटकीय खर्च किए, इसमें जापान का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो यहाँ ये बताया गया कि अमेरिका उपाय जो है ये कैसे जो है इसके जो मेजर्स हैं वो इतने सफिशियंट नहीं है। तो इसके मद्देनजर जो सारी बात निकल के आ रही है उसमें हम ये पाते हैं कि अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, जो ये है 1.9 ट्रिलियन कितना है, कितना बड़ा पैकेज है, इसको समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो इसके संदर्भ में अब उसको इंडिया से कंपेयर कराने को भी कहा जा सकता है, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा, हम कंपेयर भी करा लेंगे। तो इस संबंध में कहें तो बाइडेन जो है, जो अमेरिका के बचाव योजना जो है अकेले अधिकांश देशों के जो वार्षिक आर्थिक उत्पादन से बड़ी है, इसको जैसे कि मैंने आपको डेटा बताया, तो अमेरिका नंबर टू पे ही खड़ा दिखता है हमें 27.09% के हिसाब से, और जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था 6 ट्रिलियन डॉलर जब से ये कोविड की दिक्कत हुई है। इसमें जो केवल जो है, अगर इसमें लेटेस्ट अमेरिकन जो इसका जो विश्व बैंक, अगर हम 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो है इटली और ब्राजील से थोड़ा आगे चल रहा है, और ये केवल जो है नवीनतम अमेरिकन जो इसके उपाय के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, जो दिसंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम पूर्ण वर्ष के दौरान जो उन्होंने अधिकृत किए थे, उस वक्त उन्होंने 2.5 ट्रिलियन से अधिक सहायता पर, जिसको कांग्रेस ने जो है 900 बिलियन डॉलर का एक तरीके से राहत विधेयक जो है इन्होंने पारित कर दिया था। तो अब इससे क्या प्रतीत होता है कि जो एक तरीके से जो अमेरिका है इसमें कोरोना वायरस पर राहत पर कहीं और ज्यादा खर्च करता है, ये ऐसा हम देख रहे हैं, लेकिन अमेरिकन अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए देश के पास खर्च करने के लिए अधिक है। इसी के तौर पर अगर हम जापान की बात करें, जिसने दिसंबर में जो है आपका 707 बिलियन का एक तरीके से प्रोत्साहन जो पिछले पैकेज के शीर्ष पर रखा गया था, जो कि 2.2 ट्रिलियन डॉलर था, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता था, लेकिन जापान इसको ओवरशूट कर गया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने जापान के आंकड़ों के साथ ये भी कहा, जो मैंने आपको कैच बताया था, कि उसमें समस्या को उठाया है कि उसने सरकारी कोरोना वायरस खर्च में अधिक शामिल है, तुलना इसकी मुश्किल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ देशों में उदार सामाजिक सुरक्षा जाल जो पहले से, यानी सोशल सिक्योरिटी नेट जो है वो पहले से है आपका, उसके दौरान इसमें महामारी के दौरान जो एक तरीके से जो ये खतरनाक आघात लगा है अर्थव्यवस्था में, तो बड़े पैमाने पर खर्च की आवश्यकता को कम किया है। तो एक तरीके से इन्होंने भी जगलरी कर दिया, सोशल सेफ्टी नेट पहले दे रहे हैं, हैंडआउट्स पहले दिए जा रहे थे, कर्ज माफी, वो सब रिवाइवल पैकेज चल रहे थे, तो उसके मुकाबले जो है तो ये ऐसा रेशनल है कि वो पहले किया जा रहा था, उसमें संभाल लेगा, लेकिन ये कम तो है ही। इसके बाद अमेरिका में जो खर्च की तुलना इसमें कैसे होती है, तो इसको जैसे साइलेंट हॉर्न एल्गिन की हम बात करें, तो ये
वो अजीजी यूनिवर्सिटी में एक तरह के माइक्रो इसमें इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो सकल घरेलू उत्पाद के जो शेयर के रूप में जो महामारी के लिए एक टीम जो जिसमें ट्रैकिंग देशों के जो एक तरीके से इसमें जो फिस्कल रिस्पॉन्स है जो सरकारों का अलग अलग कंट्रीज का उसका जो उसको जो नेतृत्व कर रहे थे उस टीम को, उसने पाया है कि बाइडन जो है राहत पैकेज से पहले अमेरिका को लगभग जो है 18.22% के लिए कमिट किया था जब वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे। उसमें जीडीपी जो है अगर इसको हम पूरा ओवरऑल कंट्रीज का लें तो 168 कंट्रीज के बीच में ये 13वां सबसे बड़ा हिस्सा था उस वक्त जब ये प्रेसिडेंट बनने की इसमें बात की जा रही थी। तो आप इस आंकड़े को याद रखें, अपने जब आंसर से लिखते हैं आप तो उसमें हेल्प होती है इससे। तो इसमें अगर इस गणना के अनुसार जो है कि जो नया 1.9 ट्रिलियन का जो पैकेज है अमेरिका का जो है एक तरीके से उसका फिस्कल रिस्पॉन्स है, इसमें जीडीपी का जो है ये 27.09 के आसपास धकेल देता है, तो ये बड़ा हो जाता है। यानी कि जो आपका 18.22% जिसमें बात की जा रही थी जो बाइडन के द्वारा पहले से, उसको ये आपका 27.09% पे धकेल देता है, यानी कि काफी सब्सटेंशियली बढ़ा देता है। तो 2008 का अगर हम इसमें रिसेशन की बात करें तो उसके बाद हम ये पाते हैं कि लगभग हर 4 गुना इसका हिस्सा है, और कोरोना वायरस की प्रतिक्रिया जो है इसके संदर्भ में केवल जापान के बाद ये दूसरे नंबर पे है। तो 2020 में जो है अमेरिका का जो राजकोषीय एक तरीके से उसका जो फिस्कल रिस्पॉन्स है दुनिया में 2020 के अंदर ही सबसे बड़ी थी, क्योंकि टैक्स सबसे दी अमेरिका सबसे ज्यादा इफेक्टेड था। तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम इसमें बात करें तो उनमें जैसे इसमें जो कहा था उन्होंने, जेसन फुरमैन ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के थे, उन्होंने कहा था कि ये जो है कि तुलनात्मक रूप से ये थोड़ा छोटा था, जिसमें जर्मनी और कनाडा जैसे कुछ अन्य जो कंट्रीज हैं इनकी जो प्रतिक्रियाएं थे लगभग लगभग समान थी, जो हमने आपको आंकड़े से भी बताया था। जर्मनी का आपका 20.32 है, आपका इसमें स्वीडन का आपका 23.01 है, ऑस्ट्रिया आपका 19.91 है, तो इसमें देखा जाए तो उस मुकाबले में, लेकिन ये अमेरिका की तरफ से ऐसा किया गया है। तो ये 2021 में जो है अमेरिका जो है अब तक की जो फिस्कल रिस्पॉन्स है ये अन्य देशों की तुलना में बड़े पैमानों पर बड़ा है जो वर्तमान में चल रही, तो इसका क्रेडिट जो बाइडेन को जाना चाहिए। तो इसमें अब सवाल ये उठता है कि दूसरे देश अलग क्या कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखें, एक अलग तरीके से देखें, तो इसमें हम ये भिन्न होता है कि जो तुलना है ये करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए जो जापान की सरकार है प्रोत्साहन राशि में आंकड़े शामिल करती है, जो इसके जो प्लज करती है उसको भी ये जोड़ देती है, और इसमें जो सीधे तौर पर कोरोना वायरस है जिसका संबंध नहीं होता उन्होंने उस राशि को भी जोड़ दिया, तो वो जो राशि निकल करके आई है वो 54.9 तक पहुंच गई, लेकिन इफेक्टिवली जो है वो आपकी निकल करके आती है 29.8% ऑफ द जीडीपी। तो इसमें एक चीज और है कि जो अगर आप इसे देखेंगे 2050 तक जिस तरीके से कार्बन उत्सर्जन की तटस्थता की बढ़ावा देते हैं, तो उन्होंने उस तरीके की जो मद में जो खर्चा होना है उन्होंने उसको भी इसमें समाहित किया है। तो अगर आप पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जो अध्यक्ष हैं एक तरीके से एडम पोसेन, इनका भी जो कहना है इसमें हम इसको ले सकते हैं। तो जीडीपी पर एक तरीके से जीडीपी के जो परसेंटेज के रूप में जो जापान का कोरोना वायरस पर खर्च विशाल या अति वृद्धि के तौर पर इसको कह रहा है, पीटरसन इंस्टीट्यूट इसको कह रहे हैं। और अगर अमेरिका में खर्च के खिलाफ जो है एक तरीके से इसमें फिस्कल रिस्पॉन्स की तरह देखा जाए तो मोटे तौर पर होगा लगभग लगभग ये बराबर होगा, 27 पॉइंट आपका 09 है और जापान का 29.8% है। तो इसमें जो ये कहा जा रहा है इससे जिस तरीके से तो कई यूरोपीय देशों ने स्वागत को बढ़ाने के लिए, और इसमें जो एक चीज निकल करके आती है कि ये जो इन्होंने जो व्यापक जो इसमें है ऋण जो इसमें कर्ज की जो गारंटी है उसका सहारा लिया है फिगर्स को इन्फ्लेट दिखाने के लिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जगलरी तो हुई है स्टेटिस्टिक्स की, तो ब्याज के साथ उसमें वित्तीय नीति इसके रूप में गिना जाता है। तो इसमें जो है कि अगर आप इसे वर्ल्ड वाइड अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़े, मैंने कुछ देखे थे उनमें ये मैं आपको लब्बो लब्बा बता रहा हूँ, तो इसमें जो है कि ऋण की जो गारंटी को शामिल कर लिया गया, इन्होंने एक तरीके से अर्थशास्त्र ये अलेक्जेंड्रिया ग्रेडेल का कहना है कि आखिरकार उस पैसे को वापस चुकाना तो होगा, लेकिन उन्होंने इसको फिगर में इसलिए इसलिए फिगर जो है इतनी इन्फ्लेट होकर दिख रही है। तो जबकि जो इसको देखें कि इस तरीके से एक तरीके एक मुक्त नकद भुगतान राशि है, यानी कि रिलीफ पैकेजेस के नाम पे भी एक तरीके का यहाँ पर भी दिक्कतें हैं, इनहेरेंट दिक्कतें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो $1400 के जो एक तरीके से चेक दिए जा रहे हैं महामारी की प्रति के रिस्पॉन्स के तौर पर एक नकद भुगतान की पेशकश करने के लिए अमेरिका में कुछ पृथक जो एक तरीके से मेजर इकोनॉमिक पावर्स में से एक है। जापान ने पिछले सभी अपने कंट्री के अंदर इन्होंने $900 इन्होंने दिए थे, इसकी अधिक राशि दी थी, लेकिन उस दृष्टिकोण को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो इन्होंने 1400 के जो ये अच्छा वेलकम कदम है। तो लेकिन पिछले साल जो है ब्राजील के राष्ट्रपति जो बोलसोनारो हैं, इन्होंने देश के सबसे गरीब लोगों के हाथों में प्रति माह हर मंथ जो है $110 का उन्होंने भुगतान किया था हर महीने। तो इस कार्यक्रम में लगभग जो है 10 बिलियन प्रति माह खर्च करने का अनुमान है। तो तब से ये ब्राजील के अंदर ये बंद भी हो गया था। तो अब ये अन कंट्रीज
कंट्रीज क्या कर रही हैं, इसके रिफ्लेक्शन में हम इसको देख रहे हैं। तो हालांकि जो है अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को नगद भुगतान पे भरोसा नहीं है, लेकिन इसके बजाय पहले से मौजूदिक सामाजिक सुरक्षा के जाल जो है वापस गिर पड़े हैं। तो यूरोप के अंदर एक तरीके से, जिस तरीके से मैं अलेक्जेंड्रिया ग्रिडाल की बात कर रहा था, इनका ही कहना है कि बहुत सारा पैसा जा रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि लोगों को इनमें सबसे ज्यादा जरूरत भी है, जबकि अमेरिका में जो है मामले में ये खर्च व्यापक आबादी में चला जाएगा। तो कई यूरोपीय देशों में इसमें मजबूत एक तरीके से इस तरीके सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर के प्रोग्राम जो इसमें तेजी आएगी। तो महत्वपूर्ण अंतर है कि कई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो श्रमिकों को रखने और कंपनियों का भुगतान किया ताकि उनको जॉब से ना निकाला जाए, इसके लिए उन कंपनीज को, इंडस्ट्री को भुगतान किया जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर को भुगतान किया गया। जैसे कि अमेरिका का जो है ये यहाँ पर ये जो दृष्टिकोण है ये इसके विपरीत था। तो जिस तरीके की उन्होंने इसमें लाभ जो है इसकी तलाश कर सकती है, या आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है जो बाइडेन को अगर ऐसा लगेगा। और यूरोपिया का एक सिद्धांत यह था कि आपको अगर रोजगार के संबंध में तो उसमें सक्षम करेगा, तो एक तरीके से ये देखा जाएगा कि जो श्रम शक्ति, जैसे कि मैंने कैपिटलिज्म आपको पता, कैपिटल प्लस लेबर जो है, इससे जो मॉडल है ये कैपिटलिज्म का, ये रिवाइव करने के बाद इसमें इनहेरेंट ऐसा कहा जाता है, तो इसमें जो भागीदारी है प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को इसमें लेनी पड़ेगी। अपने नागरिकों को इन्होंने पैसे भी देने हैं, उनकी जॉब्स की भी सुरक्षा करनी है, उनको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में भी देना है, और इसमें इन्फ्लेशन को भी इसमें मद्देनजर रखना है। जैसे ऋषि सुनक की, जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा हालत खराब है हमारी यूके इकोनॉमी को संभालने के लिए, हम इसमें दो तीन वीडियोस मैंने बनाए हैं, इसलिए मुझे मैंने स्टडी किया था वो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो बेरोजगारी इसमें एक समस्या है। तो अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन पॉलिसी यूजली देखा गया रिसेशन से, या अगर आप पिछले 50-60 साल का देखें, वर्ल्ड वॉर टू के बाद का देखें, तो उसमें एक लचीलापन हमेशा से रहा है। तो अधिकतर जो धाशी है अमेरिका की, कितनी बड़ी फ्लेक्सिबल मसल्स हैं उनके पास, एक तरीके से उनको करेंसी प्रिंट कर लेंगे वो, तो उसको वो कंप्यूटर पर जीरो बढ़ा देते हैं, बाई मैं आपको रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूं। तो इसमें जो है अमेरिकन जो पॉलिसीज है ये अच्छा काम करती दिख सकती है, इसमें और ज्यादा तेजी आ सकती है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। तो इसका हम आकलन फिलहाल यहाँ करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो बाइडेन की जिस तरह की पॉलिसीज हैं, जिस तरह की उनकी चुनौतियां जो हमने भी डिस्कस की है, उसके मद्देनजर इसको बताएंगे। तो इसमें अगर हम देखें दुनिया भर में जो ये लागू होने वाली जो विभिन्न योजनाएं हैं, इनके तहत जो राहत खर्च का जो पूरा पैमाना है अभी भी एक तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना कंक्रीट डायरेक्शन में जा रहा है, उसको लेकर सवाल उठता है। और फेडरल रिजर्व जो है और अन्य सेंट्रल बैंक है, इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये एक अलग मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से ये फिस्कल रिस्पॉन्स है, फिस्कल पैकेजेस का हिस्सा नहीं भी है, और इसमें जो संकेत आ रहे हैं हमारे पास, तो ये हमें पॉजिटिव रहने के लिए इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है बाकी सारी इकोनॉमीज के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। और इसका अमेरिकन इकोनॉमी अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, या ओवरहीट हो जाएगी, या एक तरीके से इसको समस्या को नहीं ठीक से हैंडल कर पाएगी, तो पूरी दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद जो अर्थव्यवस्थाओं पर इफेक्ट पड़ेगा वो भयावह स्थिति में जाने वाला है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर ये बात और जोड़ें कि अमेरिका का जो ये रिस्पॉन्स करने का जो तरीका है, एंड जाकर के इनके पास केन्स इन मेथड्स ही इनको लगाने पड़ेंगे। इसके बाद रास्ता, क्योंकि जो रिसेशन से निकला था उसके बाद काफी ज्यादा वक्त लग गया था इकोनॉमी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगी लेमन ब्रदर्स के फॉल के बाद, तो बहरहाल इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है, इसमें चीजें इतनी संभाली जा सकती हैं, लेकिन एक तरफ इन्फ्लेशन है, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट है, एक तरफ डोमेस्टिक इकोनॉमी है, एक तरफ ट्रेड वॉर्स भी हैं, किस तरीके से चाइना के साथ रिलेशन, क्वाड की मीटिंग्स चल रही हैं, तो जो बाइडेन के पास करने को बहुत सारी चीजें हैं, वो किस तरीके से कितनी जल्दी करते हैं। उनके पास एक बहुत सक्षम जेनेट येलन के तौर पर एक तरीके से सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, जो फेड की चीफ रह चुकी हैं, बहुत सक्षम अर्थशास्त्री हैं, उनके उस पर भी हमने बेहतरीन बात की थी। उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर हमने ये डिटेल में अमेरिकन जो मैंने जो प्रेसिडेंट चुन करके आया उस वक्त हमने बात की थी, वो किस तरीके की सक्षम महिला है। उसके बाद हम देखेंगे, ये वक्त बताएगा कि आने वाली इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसके क्या इंप्लिकेशन होंगे, इसके क्या इंपैक्ट होंगे, इसका क्या एनालिसिस होगा। चलिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।